सवेरे से 5 बजे से काम करते हैं ये लोग, सारा चाची जी के काम कर देते हैं। घर से दादी कुछ बना रही है, दादी बना रही है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का अनीता जी के किचन में। तो आज हमारे किचन में ना स्पेशल रेसिपी बनने जा रहा है, सेहत से भरपूर। तो चलते हैं खेतों में और आपको दिखाते हैं कि क्या बनने वाला है। तो आज हम बनाएंगे चौलाई का साग। तो चौलाई का साग देखिए दो तरह का होता है, एक ग्रीन वाला एक रेड वाला। तो ये ग्रीन वाला जो चौलाई है देखिए इस तरीके से तोड़ेंगे पत्ते, बाकी फिर से ये हो जाएगा, उग जाएगा। ये देख रहे हैं इस तरीके से तोड़ तोड़ के डलिया में रखते जाएंगे। अभी खेतों में ना सिंचाई हुआ है तो गीला है। तो इतना सारा हम ग्रीन चौलाई लिए हैं। तो ये देख रहे हैं ये लाल भाजी का कटिंग हो गया है, तो फिर से दोबारा हो रहा है। तो यहाँ से हम कुछ लाल भाजी भी लेंगे। लाल भाजी का स्वाद अलग होता है, ग्रीन भाजी के साथ स्वाद अलग होता है, दोनों का स्वाद में अलग अलग डिफरेंट है। इसको बोला जाता है हमारे यहाँ गेंदरी, गेंदरी का साग। वैसे इसका पूरा नाम है चौलाई। ये जो दोबारा देखिए कटिंग हुआ है ना, तो दोबारा इसमें से फिर से निकलेगा साग। तो इसी तरीके से मैं एक तरफ रखती हूँ और दो तरीके का आपको चौलाई का साग बना के दिखाऊंगी मैं, रेड वाला है और ये ग्रीन वाला है। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए हम थोड़ा सा छोटा सा ये गुलदस्ता, ये लीजिए देख रहे हैं कितना खूबसूरत है। तो जितना हमें ज़रूरत है उतना हम साग ले लेते हैं। ये देख रहे हैं कितना बढ़िया बढ़िया साग है। तो चौलाई ले लिए दो तरह का, लाल और हरा। अब चलते हैं घर, लेकिन थोड़ा सा मिर्ची उर्ची लेना है इसमें डालने के लिए। वो वाला खेत में मिर्ची है, ले लेते हैं। तो साग लेके आ गए हैं, मिर्ची लेके आ गए हैं, साग को साफ करेंगे। ये जो नरम नरम पत्तियां होती है ना वही लेंगे, कीड़ा मकोड़ा भी नहीं रहेंगे। बस देख देख के हम लोग साफ करते हैं। सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते काट रहे हैं ना, तोड़ ले रहे हैं। हाँ, अगर ये नरम है ना ये इसका डंठल, तो इसको भी इसका छील के रख लेते हैं। अच्छा से इसको 3-4 पानी धोएंगे। डर गई, देखो डर गई मम्मी, उड़ गया, देखो बेबी डर गई ना तुम। हाय हाय रे मजबूरी। जलावन भी आ गया। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आप तो चौलाई के साग बना रहे हैं, हांडी में लेप क्यों लगाए हैं। तो चौलाई के साथ खाने के लिए हम दाल चावल भी बनाएंगे। दर्द दिल, ये भात का हांडी है, ये दाल का हांडी है। सब जलावन का अलग अलग टेस्ट होता है खाना का। ये जो जलावन है इसका खाना जब बनेगा ना उसका टेस्ट बहुत ही टेस्टी। ये सरसों है, सरसों का जो ऊपर का होता नहीं है जिसमें से फल निकलता है वही, जलाने में भी आसान और जलता भी बहुत बढ़िया। तो देखिए कैसे आंच जलने लगा, ढक्कन लगा देते हैं, पानी गर्म होगा जल्दी। इतना अच्छा जलता है, पूछिए मत। हाँ, कोई सारा काम करके दे दे तो मैं दिन भर इसको यहाँ बैठ के जला सकती हूँ, इतना मुझे पसंद है।
धुआं वहाँ कुछ नहीं लगेगा, दिया जैसे जलता है, देख रहे हैं इशारे पे जलता है, ऐसा कोई टेक्निकल हो ही नहीं सकता। कल दिन है पानी पानी, कहीं खुजली होता है तो खुजला भी लीजिए। कितना फायदा है? बहुत फायदे, मतलब काम एक सुनाए अनेक। मैं सोच रही हूँ किसके साथ क्या खाएंगे जी, पकौड़ा खाएंगे, सदा ही खाएंगे कि प्याज काट लिए, प्याज तो बनू रहो बगीचा में, प्याज के प्याज ही बनाएंगे। गुल 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 गुल। तो दोस्तों मैं आपको बोली थी ना कि पकौड़ी खाने का मन कर रहा है, तो चना का दाल हम लोग सुबह ही भी गए थे, देख रहे हैं चना का दाल भी है और हमारे गार्डन में प्याज भी है, तो सोच रहे चना दाल पीस के उसका पकौड़े बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, और दाल चावल के साथ तो मज़े ही आ जाएंगे। और इधर देखिए हम दाल चावल सब ले लिए हैं, इधर चौलाई है, चौलाई को तो बनाएंगे अभी, दोनों तरफ कढ़ाई चढ़ाएंगे दो ठो, तो ये मान के चलिए ना कंप्लीट पूरा फुल वेज थाली हो जाएगा, पकौड़ा भी हो जाएगा और कल मैं चटनी बनाई थी चटनी भी है, चटनी भी आपको खिलाएंगे। तो लास्ट तक रुके रहिएगा और देखिएगा कि मैं चौलाई की सब्जी कैसे बनाती हूँ। अरहर का दाल है, इसको धो लेते हैं, पॉलिश वाला नहीं है, बिना पॉलिश वाला है, ठीक धो लेते हैं। अब यहीं पे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और एक छोटा चम्मच खाने वाला चम्मच से सरसों का कच्चा तेल। इस तरीके से ना हमारे यहाँ शादी ब्याह में बनाया जाता है दाल, बहुत ही टेस्टी बनता है, और साथ ही में एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल के इसको मिला लेंगे। ये देखिए अखबार आ गई, इसमें यही तो ध्यान रखना पड़ता है, देख रहे हैं कितना अच्छा से हम इसको मिला लिए हैं। अब मिलाने के बाद कुछ नहीं करना है दोस्तों, पल सब ठंडा है, जय हो माता रानी अन्नपूर्णा माता। कम डालूंगी ज्यादा दीजिएगा, देखो पानी कस के गर्म हो गया, अपना तो ठंडा है, आधा ढकेंगे और दाल को पकाएंगे। इधर चावल का भी अदहन गर्म करना है, चावल का भी अदहन गर्म करेंगे, फिर चावल भी बना लेंगे जल्दी से। तो प्याज भी देते हैं पकौड़ी के लिए इस तरह से। पापा प्याज ले आए हैं? हाँ। अच्छा साफ भी कर रहे हैं, देखिए इधर हमारा दाल भी फनने की कगार में है, देखिए ये देखिए, इस तरीके से बनाने से ना दाल उफनता नहीं है। और पापा यहाँ पकौड़ी के लिए प्याज को अलग अलग कर रहे हैं, धान भी गर्म हो गया, चावल वाला भी, चावल धो लेते हैं, और पेट भी कह रहा है कि वाह देखो तुझको गौर से लड़की है या जादू, जय माता दी। चावल कम डाल रहे हो ज्यादा देना जी, चौलाई को आप काट भी सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं, देख रहे हैं भात कैसा डबक रहा है। तो चावल हमारा पक चुका है, इसको छान लेते हैं और जल्दी से हम चौलाई बनाएंगे। तो चावल भी कंप्लीट, दाल भी कंप्लीट, दाल में जैसे कि हम लोग ऊपर पानी रख देते हैं, कम पड़ता है पानी तो डाल लेते हैं, और दाल देखिए दाल गल गया है। एक कढ़ाई रखते हैं छोटा सा, और यहाँ पे हम कुछ तड़का के लिए लिए हैं चौलाई में डालने के लिए, कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। हम लोग बहुत ही सिंपल बनाते हैं चौलाई के साथ और बहुत टेस्टी लगता है। सबसे पहले डालेंगे जीरा दो चुटकी, एक गांठ लहसुन की कलियां इस तरीके से काट के डाल लेंगे, थोड़ा लहसुन इसमें ज़्यादा लगता है फिर टेस्टी आता बनता है, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो ना डालें। तीन चार हरा मिर्ची और दो लाल मिर्ची, तड़का को ना अच्छा से भूनेंगे जब जाकर स्वाद अच्छा आएगा, तड़का भून गया है देखिए कितना बढ़िया है। अब ना हम ये चौलाई जो है डालेंगे, थोड़ा सा एक बार हिला देंगे
एक दो मिनट के ढकते हैं। तड़का अभी नीचे ही है, लेकिन तड़का जलेगा नहीं क्योंकि चौलाई पानी छोड़ देगा। चौलाई से ढक दिया था तड़का को, तो मतलब तड़का का ना खुशबू बाहर नहीं जाएगा, चौलाई में ही रहेगा, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। दूसरा भी जो ग्रीन चौलाई है उसको भी ऐसी बनाना है, लेकिन उसमें हम चना दाल डालेंगे। चना दाल जो भिगोए है ना, एक मुट्ठी भर डालेंगे। आप चना डाल सकते हैं, साबुत जो चना आता है ना काला वाला, वो भी। मध्यम आंच पे इसको पकाएंगे, यहीं पे स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। नमक थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि ये गल जाता है। इधर हमारा दाल भी तैयार हो गया था, पर इधर आंच नहीं लगा रही थी। अब क्या करेंगे, इधर हम कर देंगे एक दूसरी कढ़ाई रख के और बनाएंगे अपना दूसरा चौलाई का साग, दूसरा वाला चौलाई। और दाल तो मैं दिखा दूंगी दोस्तों ना, तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा। ये देखिए दाल ना इतना टेस्टी बनता है कि मतलब बिना कुछ डाले ही मजा आ जाता है, सोंदा सोंदा लगता है। सरसों का तेल डालेंगे, तड़का सेम ही रहेगा। यहाँ पे चना दाल हम लोग सुबह ही भिगोते हैं, तो इसका पानी निकाल के ठीक है, और चौलाई के साथ ही हम लोग डालते हैं। तो ज्यादा नहीं, एक मुट्ठी डालना है, देख रहे हैं, चौलाई के साथ ही हम इसको डालेंगे। थोड़ा सा और डाल दी हूँ चना दाल, बाकी का जो चना दाल बचा है इसको पीस के प्याज के साथ पकौड़ी बनाएंगे। इसमें भी स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, लेकिन आप जब साग गल जाए तभी नमक डालिएगा, नहीं तो अंदाजा नहीं लगेगा आपको। और बस इसको ढक के पका लेना है, कुछ नहीं करना है, मध्यम आंच रहेगा। देख रहे हैं कितना बढ़िया गल के एकदम तैयार हो गया है रेड वाला चौलाई, बहुत बेहतरीन। मैं इसमें बिल्कुल आँच नहीं लगाई हूँ, कम कम आँच में ये पका है। और इसको भी देख लेते हैं दो मिनट के बाद, देख रहे हैं कितना अच्छा से गलने लगा है। बस इसको एक बार ऊपर से नीचे कर देंगे, ये भी दो तीन मिनट में गल के एकदम तैयार हो जाएगा। पकौड़ी बनाने के लिए देखिए प्याज को अच्छा से धो लिए हैं, और एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ पे चना दाल पीसा हुआ, दो चम्मच चावल का आटा, एक चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक, चार पांच हरा मिर्च को हम बारीक काट के इसी में डाल लेंगे, और थोड़ा सा धनिया के पत्ती बस, और कुछ नहीं डालेंगे इसमें, कोई मसाला वगैरह नहीं। ये जो पकौड़ा बनेगा ना आप खाते ही रह जाइएगा, तो इसको पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है, जो प्याज में पानी रहता है ना हल्का, उसी से बहुत ही बढ़िया ये बनेगा। आप चाहे तो बेसन से भी बना सकते हैं, लेकिन चना दाल से बनाइएगा ना तो वाह मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा इस तरीके से मिलाइएगा ना तो ये सॉफ्ट हो जाता है प्याज, और आराम से आप पकौड़ी बना लेंगे, देख रहे हैं। तो जल्दी जल्दी हम चलते हैं कढ़ाई में, तेल थोड़ा सा डालते हैं, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। सरसों का तेल डाल रही हूँ मैं, तो आप लोग भी बहुत इंतज़ार किए। आप चाहें तो थोड़ा सा हींग डाल लीजिएगा, वैसे तो ये चना दाल है छोटा छोटा, इतना बड़ा बड़ा मैं बना लेती हूँ। गोल गोल भी बना सकते हैं इस तरीके से, टिक्की के शेप में। अच्छा से एक तरफ से ना क्रिस्पी हो जाने दीजिएगा। चौलाई इधर हम छोड़ दिए थे, उसको देख लेते हैं। ये देख रहे हैं कितना बेहतरीन गल के एकदम तैयार है खाने के लिए। तो ऐसे ही आपको भी बनाना है चौलाई का साग, और फिर तो आप कहेंगे वाह क्या जबरदस्त टेस्ट आया। जब जो हमारा पकौड़ा है, पकौड़ी है, देखिए कितना बढ़िया, कितना बढ़िया तला है, ये देखिए। तो जितना भी पकौड़ी है सबको ऐसे ही बना लेंगे, ये बहुत ही टेस्टी यम्मी पकौड़ी होता है, देख रहे हैं कितना बेहतरीन पकौड़ी गर्मा गर्म। इसको एक बार खा लोगे तो बार बार बोलोगे। तो जल्दी से आपको सर्व करके दिखाते हैं, क्योंकि आपको भूख तो लगी गई होगी, हमको भी लग गया है। तो खाना इज रेडी दोस्तों, लंच टाइम, लंच टाइम, घंटी बज गई। 50 रुपए थाली, 50 रुपए थाली, दो सब्जी वाली।
घंटी बज ही राम जी। मम्मी आप और मैं मिलके ढाबा खोले एक। हाँ हाँ, तो मेरा लॉस करवा देगा। सुनो तो आप खाना बनाना, मैं पैसे काटूंगा। अच्छा बेटा, बड़ा तगड़ा स्टार्टअप है मम्मी। यहाँ पे हमारा दाल, जो कि रहर का प्योर दाल, अरहर का दाल प्योर, कोई मिलावट नहीं। यहाँ पे आ गया चौलाई, यहाँ पे आ गया पकौड़ा, आप चाहे तो कोई सलाद भी इसमें सर्व करें। यहाँ पे आ गया ग्रीन चौलाई। तो अब किस बात का देरी, जल्दी से चलते हैं खाने। आपका तो देखते देखते पेट भर गया होगा। अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं आया है जो कैमरे में भी टेस्ट कर ले आप। ये तो दोस्तों मजाक था, लेकिन आप अपने घर में इस तरीके से बना के खा सकते हैं और कैसा लगा स्वाद बता सकते हैं। ठीक है, ये तो उपलब्ध है ना सेवा। YouTube पे वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो फ्री सेवा है, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो जब मर्जी जब बनाए स्मोकी फ्लेवर खाना। अरे बाबा रे, धुआं लगता है दोस्तों, कोई बता सकता है धुआं कहाँ लगता है? धुआं 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 आग में लगता है, आँख में लगता है, आँख में। आँख में नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? तो फिर मैं ऐसे ही मिलूंगी हर रोज एक देसी रेसिपी के साथ, या विदेशी रेसिपी के साथ, या कोई बहुत ही झटपट बनने वाला रेसिपी के साथ। तो कैसा लगा दोस्तों? वैसे ही एक घंटा में बन जाता है खाना पूरा, बहुत ही स्वादिष्ट। जब मर्जी जब बनाइए और खाइए। तो लाला जी भी आ गए हैं, बाजार गए हुए थे, तभी उनको मैं सर्व करूंगी और वो आपको बताएंगे कैसा टेस्ट बना है। और भाई गर्मा गर्म थाली सर्व हो चुकी है। पापा को तो चौलाई पसंद है। तो बढ़िया बनता है यार, और इसका जवाब ही नहीं पकौड़ी का। पकौड़ी बढ़िया बना है। चौलाई दोनों बढ़िया बना है।